चुंबकीय पानी का होना भी विशेष आवश्यक है। किंतु चुंबकीय पानी होता क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। विधि: एक कांच की बोतल में पानी भर लें और उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। अब आप एक चुंबक लें और उसे उत्तर दिशा की तरफ से पानी की बोतल के साथ लगाएं। ध्यान रहे कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव ही पानी की तरफ हो। ठीक इसी तरह आप एक और चुंबक लें और उसे दक्षिणी दिशा की तरफ से पानी के पास लाएं। साथ ही आप इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि चुंबक काफी शक्तिशाली होने चाहिए और यदि इसकी क्षमता 2000 से 3000 हो तो बहुत अच्छा होगा। समय: वैसे तो पानी 24 घंटे में चुंबकीय होता है, किंतु इसका उपयोग आप 15 घंटों के बाद से आरंभ कर सकते हैं, किंतु पूरे लाभ के लिए आप इसे एक महीने तक ऐसे ही रखा रहने दें। इस पानी को गर्म करें और ना ही फ्रिज में डालकर ठंडा करें। अगर व्यक्ति किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है तो पानी को चुंबकीय करने से पहले उसे उबाल लें, फिर से चुंबकांकित करें और उस जल को ऐसे रोगी को दें। चुंबकीय पानी के लाभ: कोलेस्ट्रॉल। चुंबकीय पानी की तरंगे नसों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देती, जिस वजह से शरीर कोलेस्ट्रॉल से बचा रहता है और हृदय की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मूत्र रोग: इसके नियमित सेवन से मूत्र रोग, पित्त की समस्या इत्यादि में भी राहत मिलती है। यह पानी खुद में मूत्र में बदलकर मूत्र मार्ग को साफ करता है। मासिक धर्म: महावारी के समय में अनियमितता से परेशान स्त्रियां अगर चुंबकीय पानी का सेवन करती हैं तो उन्हें निश्चित ही आराम मिलता है, साथ ही उनकी गर्भ से संबंधी सारी परेशानियां व तकलीफें भी दूर हो जाती हैं। सामान्य रोग: सामान्य रोग जैसे कि खांसी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द इत्यादि जो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, ये पानी शरीर को स्वस्थ रख इन रोगों को भी दूर रखता है। चुंबकीय पानी का सेवन: अगर आप पानी को पीकर प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आप दिन में कम से कम 4 बार इस पानी को आधा आधा ग्लास की मात्रा में लें, किंतु बच्चों को इसकी आधी मात्रा में पिलाएं। बुखार होने पर आप पानी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। चुंबकीय पानी से धोएं: पानी का धोने के रूप में इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहले तो वो लोग जिनकी आंखें कमजोर हैं वो अपनी आंखों को धोकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरे वो लोग जिन्हें घाव हो गया है वो इस पानी से अपने घाव को साफ करें। जलन पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चुंबकीय पानी के अन्य इस्तेमाल: कुछ ऐसे अंग विशेष होते हैं जिन्हें ना तो धोया ही जाता है और ना ही उन पर पानी को डाला जाता है। वहां पानी का इस्तेमाल पट्टे को गीला करके किया जाता है। इस तरह की चिकित्साओं के लिए दिन में 2 से 3 बार इस विधि को अपनाया जाता है। इससे शरीर कार्यशील होता है।